तो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ए वेब पेज इज गिवन एन ऑनलाइन एड्रेस कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेब पेज का अगर हम लोग उसको ऑनलाइन पे पब्लिश कर रहे हैं तो हम लोग को उसका एक URL देना पड़ता है। URL मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो उस रिसोर्स को लोकेट करता है सर्वर पे। ठीक है, मतलब ऑनलाइन वर्ल्ड इतना बड़ा है, मीन्स इतने सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट है, इतने सारे नेटवर्क कनेक्ट है, इतने सारे सर्वर्स कनेक्ट है, वो जो हमारा वेबसाइट है वो किस लोकेशन पे रखा हुआ है, मीन्स उसका सर्वर क्या है। ठीक है, हम लोग को उस वेब पेजेस को अगर रिक्वेस्ट देना है और वो हम लोग को रिस्पॉन्स के रूप में वो वेबसाइट हम लोग को ओपन करके देगा, तो उस वेबसाइट का हम लोग को कुछ ना कुछ तो एड्रेस पता होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वो एक प्रकार का एड्रेस होता है, वो एड्रेस होगा सर्वर का। ओके, जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे मेरा खुद का वेबसाइट है, ठीक है, अगर मैं खुद की वेबसाइट को बताऊँ तो यहाँ पे धीरेन्द्र.tech इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक मेरा खुद का वेबसाइट खुलेगा। ठीक है, ये ऐसे आलतू फालतू टाइप का डाला हुआ है अभी। ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा डिटेल्स मैंने इसमें डाला नहीं है। ओके, तो इस टाइप का मेरे खुद का एक वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक खुद का ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ठीक है, URL है। ठीक है, तो अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये मैंने होस्ट किया हुआ है कहीं पे, ठीक है, और वो उसको ओपन करके दे देता है। ठीक है, तो ये मेरा एक पर्सनल वेबसाइट है। तो वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को अगर हमें होस्ट करना है तो हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, ए पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट बिलोंग टू ए स्पेसिफिक URL इज कॉल्ड वेबसाइट। ठीक है, कोई भी एक हम लोग वेब पेजेस के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं, और उसका एक स्पेसिफिक URL होता है, जैसे कि facebook.com, google.com। ठीक है, ऐसे बहुत सारे करोड़ों वेबसाइट्स अवेलेबल हैं हमारे इंटरनेट पे, तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो हमारा एक ह्यूज सोर्स है। जितने भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बुक देखते हैं या फिर हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर अगर करते हैं तो हम लोग उसको अक्रॉस द वर्ल्ड उसको हम लोग सेंड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हम लोग वेबसाइट्स बना के डाल सकते हैं, ब्लॉग्स बना के डाल सकते हैं, या फिर हम लोग सोशल मीडिया पोस्ट डाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग के पास वेबसाइट्स आजकल अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर कर सकते हैं। स्मॉल वेबसाइट स्टोर ऑल ऑफ देयर वेब पेजेस ऑन ए सिंगल सर्वर, बट बिग वेबसाइट्स और ऑर्गेनाइजेशन प्लेस देयर वेब पेजेस ऑन डिफरेंट सर्वर इन डिफरेंट कंट्रीज, सो दैट वेन यूजर ऑफ ए कंट्री सर्च देयर साइट दे कुड गेट द इंफॉर्मेशन क्विकली फ्रॉम द नियरेस्ट सर्वर। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, अपनी वेबसाइट एक सिंगल सर्वर पर स्टोर नहीं करती हैं। ठीक है, उन लोग क्या करते हैं कि हम जो भी वेबसाइट है, लाइक जैसे google.com, ठीक है, google.com अगर हम लोग खोलते हैं तो वो अगर .com हम लोग खोलेंगे तो अमेरिकन सर्वर से हम लोग को रिस्पांस मिलता है। अगर हम लोग लिखेंगे google.co.in तो वो इंडिया के सर्वर से हम लोग को देगा। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती है जो .in डोमेन पे चलती है, वो इंडिया के सर्वर से चलाई जाती है। ठीक है, तो हर कंट्रीज़ के अलग अलग सर्वर होते हैं। क्यों ऐसा अलग किया जाता है, ताकि हम लोग को रिस्पॉन्स बहुत फास्ट मिले, मीन्स जो भी रिक्वेस्ट हम लोग सेंड करें वो नियरेस्ट सर्वर पे जाए और वहाँ से ही हम लोग को रिस्पांस मिल जाए। अगर हम लोग सेंट्रलाइज सर्वर रखेंगे, मीन सर्वर एक ही रख रहे हैं हम लोग, और उसमें रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे तो सर्वर वैसे ही रिस्पांस करेगा, बहुत स्लो रिस्पांस करेगा, इसलिए हम लोग कंट्री वाइज उसको डिवाइड कर लेते हैं। सो द वेब प्रोवाइडर्स प्रोवाइड्स अ कम्युनिकेशन platform for the user to retrieve and exchange information over the internet. Unlike a book where we move from one page to another in a sequence, on a world wide web we follow a web of text, hypertext links to visit a web page. ठीक है, जैसे books होती हैं, books में हम लोग क्या करते हैं, page हम लोग
पलटते जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, उस नेक्स्ट पेज को हम लोग को खोलने के लिए कहीं ना कहीं क्लिक करना होता है। उस क्लिक पे क्या होता है, कोई दूसरा पेज जुड़ा होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग हाइपर लिंक। उस हाइपर लिंक को हम लोग किसी टेक्स्ट से जोड़ते हैं और वो बन जाता है हाइपर टेक्स्ट। जैसे ही उस टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, हम लोग को एक नया पेज ओपन करके मिल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जितने भी वेब पेजेस हैं सबके सब आपस में कनेक्ट होते हैं। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पे एक वेब पेजेस जो है इंटरनेट पे काम करता है। तो हम लोग को इसके लिए एक वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। वेब ब्राउजर ही एक ऐसा इकलौता सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करता है। ठीक है, वेबसाइट को डिस्प्ले करता है, हाइपर लिंक्स को डिस्प्ले करता है, जितनी सारी टेक्नोलॉजीज है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, आजकल के डेट में ऑनलाइन मीडियम एक ऐसा मीडियम जिसमें मिलियंस ऑफ टेक्नोलॉजीज काम करती है। ठीक है, वहाँ पे अगर हम लोग ऑनलाइन में HTML, CSS, JavaScript, ठीक है, साथ में PHP, ASP, AngularJS, Node.js, स्क्रिप्ट, देन उसके बाद बहुत सारे इस टाइप के जावा स्क्रिप्ट होते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज होती है, सारी के सारी इस हम लोग को वेब ब्राउजर पे लिंक करके मिल जाता है। मतलब वेब ब्राउजर जो है थाउजेंड मिलियंस ऑफ टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसीलिए इस वेब ब्राउजर को हम लोग इंटरनेट को यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग मिलियंस ऑफ टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड जितने भी साइट्स हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई भी वेबसाइट अगर बनाए तो सिर्फ और सिर्फ HTML, CSS, JavaScript यूज करके बनाए। ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसा कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, कुछ नया चीज उसमें परफॉर्म कर रहे होंगे, जिसके लिए हम लोग को कुछ प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। उस प्रोग्रामिंग को सर्वर साइड में एग्जीक्यूट करना और वहां से हम लोग को कुछ रिस्पॉन्स ला के दिखाना, तो ये सारा चीज वेब ब्राउजर ही कर सकता है। तो हम लोग को एक सिंपल सा वेब ब्राउजर हम लोग को चाहिए होता है, जिसको हम लोग अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर देते हैं और हम लोग उसे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट। ठीक है, सम पीपल यूज द टर्म्स इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब इंटरचेंजेबली। दे थिंक दे आर द सेम थिंग, बट दिस इज नॉट सो। इंटरनेट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम WWW। इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं, तो इंटरनेट जो है वो WWW से बहुत अलग है। इंटरनेट एक ऐसा वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स, लैपटॉप, डिवाइसेस, ठीक है, बहुत सारे आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ हमें कनेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब सर्वर्स में, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में या जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है उसका हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। वहाँ पे हम लोग को ऑटोमेटिक कोई कंटेंट नहीं मिलता है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को स्ट्रक्चर मिलता है। अगर मैं इसको ऐसा एक्सप्लेन करूँ, लाइक हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर मान के चलो ये हमारा इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट है, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, लैपटॉप जुड़े हुए हैं, कुछ मोबाइल फोन्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जोड़ तो लिए हम लोग, लेकिन हम लोग इसमें देखेंगे क्या, करेंगे क्या, हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग को इसमें कंटेंट डालने हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करना है। ठीक है, क्या शेयर करना है, कंटेंट, इंफॉर्मेशन शेयर करना है। ठीक है, तो ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन कर लेना, वायर जोड़ देना, डिवाइसेस को जोड़ देना, उससे हम लोग को पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि HTTP, ठीक है, SMTP, ठीक है, या फिर हम लोग WWW का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स या फिर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं,
इसको यूज करके हम लोग इंफॉर्मेशन या फिर कंटेंट जनरेट करते हैं। ओके, अब इंफॉर्मेशन या फिर कंटेंट हम लोग किस रूप में जनरेट करेंगे? वेब पेजेस, ठीक है, या फिर वेबसाइट, ठीक है, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया, वीडियोस, इमेजेस, ठीक है, GIF, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। इस फॉर्मेट्स में हम लोग क्या करते हैं, अपने इंटरनेट कंटेंट और इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन और जो भी हम लोग वेबसाइट्स वगैरह पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, अब दोनों को आपस में इंटरलिंक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन दे रहा है? वो इंटरनेट दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, ठीक है। बाकी जो सर्विस है वो कौन देता है? WWW देता है। मीन्स जो कंटेंट रिलेटेड जो भी काम होगा वो WWW करता है, कनेक्शन का काम जो है वो इंटरनेट करता है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से हम लोग कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, ठीक है। एक्सेस हम लोग WWW को करते हैं। जितने भी हम लोग वेबसाइट खोलेंगे उसके सामने लिखा रहता है www.google.com, ठीक है, www.facebook.com, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम लोग किसको एक्सेस करते हैं? इस कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं। ये www क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के सर्वर से हम लोग को रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। हम लोग www के थ्रू ही इस सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग को कनेक्ट करता है दूसरे वर्ल्ड में जितने भी डिवाइसेस हैं उससे, ठीक है। और बाकी जो हम लोग को इंफॉर्मेशन यहाँ एक्सेस करते हैं वो हम लोग इस www से करते हैं। ओके, तो दोनों में रिलेशन यही था, डिफरेंस भी यही है कि वो कनेक्शन देता है और ये पूरा का पूरा हम लोग को कंटेंट से एक्सेस करवाता है, इंफॉर्मेशन से एक्सेस करवाता है। इट इनेबल्स यूजर टू सेंड ईमेल्स टू द अदर यूजर एंड चैट देम ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू सेंड एन ईमेल और चैटिंग विद समवन ऑनलाइन, यू आर यूजिंग द इंटरनेट। ओके, हम लोग यहाँ पे जब भी कोई चैटिंग या फिर ईमेल वगैरह सेंड करते हो सबसे पहले कनेक्शन बनाता है वो। जब भी हम लोग इस कनेक्शन की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट का, ठीक है। जब तक कनेक्शन नहीं बनाएगा तब तक हम लोग फाइल सेंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कनेक्शन क्रिएट हो गया देन उसके बाद काम होता है www का। बट व्हेन यू हैव ओपन ए वेबसाइट लाइक google.com फॉर इंफॉर्मेशन, यू आर यूजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, ए नेटवर्क ऑफ सर्वर्स ओवर द इंटरनेट, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक नेटवर्क है सर्वर्स का और उसके अंदर के इंफॉर्मेशन का। सर्वर इज अ हार्डवेयर, ठीक है, वेबसाइट्स इंफॉर्मेशन इज अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, और उसी को हम लोग एक्सेस करते हैं यहाँ पे। योर रिक्वेस्ट ए वेब पेज फ्रॉम योर कंप्यूटर यूजिंग अ ब्राउजर एंड द सर्वर रेंडर्स दैट पेज टू योर ब्राउजर, ठीक है। रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं अपने वेब ब्राउजर से, देन उसके बाद हम लोग को वो क्या ला के देता है? रिस्पॉन्स ला के देता है। पूरा का पूरा जैसा हम वो वेबसाइट बनाए होते हैं वैसा ही वो वेब ब्राउजर उसको रेंडर करता है। रेंडर करना मीन्स ग्राफिक्स वैसे दिखाएगा, इमेजेस, वीडियोस, जो उसमें एनिमेशन हम लोग किए हुए हैं, ठीक है, जिस टाइप की हम लोग कोडिंग किए हैं वैसा का वैसा ही वो डिस्प्ले करता है। योर कंप्यूटर इज कॉल्ड क्लाइंट हु रन्स ए प्रोग्राम जिसको हम लोग वेब ब्राउजर बोलते हैं, आस्क द कंप्यूटर सर्वर फॉर द इंफॉर्मेशन इट नीड्स। तो हम लोग जो कंप्यूटर चलाते हैं उसको हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। बेसिकली हम लोग क्लाइंट जिसको बोलते हैं वो वेब ब्राउजर होता है, ठीक है, वेब ब्राउजर को ही हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। अब जो भी एंड यूजर है वो तो वेब ब्राउजर या तो लैपटॉप पे चलाएगा, कंप्यूटर पे चलाएगा, या तो कोई भी डिवाइस पे चलाएगा, तो हम लोग उसी को क्लाइंट बोल देते हैं कि वो जो कंप्यूटर है हमारा क्लाइंट है। और बेसिकली हम लोग
किसी वेब ब्राउजर के थ्रू ही हम लोग किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, एकमात्र तरीका होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग आजकल के एप्लीकेशंस देखते हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जैसे फेसबुक लाइट हो गया, फ्लिपकार्ट लाइट हो गया, ठीक है, इस टाइप के हम लोग वेब ऐप देखते हैं, ठीक है। हम लोग के एंड्रॉयड मोबाइल पे वो एक शॉर्टकट बन के जरूर ऐड हो जाता है, इंस्टॉल जरूर होता है, लेकिन एक्चुअल में वो वेब ब्राउजर होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लाइट एप्लीकेशन आते हैं, लाइट एप्लीकेशन जो होते हैं वो एक छोटा सा ऐसा वेब ब्राउजर होता है जो सिर्फ और सिर्फ वही वेब पेज को एक्सेस करता है, और कोई दूसरे वेब पेज को एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा फ्रेमवर्क डाल दिया जाता है कि हम लोग को वो इजीली कंटेंट सिर्फ फेच करके दिखाता है, बाकी स्ट्रक्चर पहले से बना होता है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो रिस्पॉन्सिव होते हैं, मीन्स हम लोग अगर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट अगर बनाते हैं तो उसको हम लोग इजीली किसी भी एंड्रॉयड ऐप में या फिर iOS ऐप में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो भी हम लोग क्लाइंट यूज़ करते हैं वो एक प्रकार का वेब ब्राउजर ही होता है, और वहीं से हम लोग उसको इजीली एक्सेस करते हैं, वैसे ही सेम हम लोग को दिखता है। जैसे कि हम लोग फेसबुक देखते हैं, फेसबुक का ऐप भी सेम होता है, और हम लोग डायरेक्ट अगर क्रोम में खोलेंगे तो भी लगभग लगभग 80% वो सेम दिखता है, ठीक है। क्योंकि जैसा वो रिस्पॉन्सिव बनाया गया है छोटे स्क्रीन के लिए, वैसा ही सेम ऐप को भी डेवलप किया गया है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि हम लोग को पेज वहाँ डिस्प्ले होता है, जैसे फेसबुक पेज होता है, फेसबुक पेज जो है वो जैसा ऑनलाइन दिखता है सेम वैसे ही दिखता है। तो वो क्या करते हैं, उस मॉड्यूल पे छोटा सा वेब ब्राउजर अटैच कर देते हैं और वेब ब्राउजर के थ्रू वो रन होते जाता है। तो अगर मान के चले फेसबुक इतनी सारी हम लोग को फैसिलिटी दे रहा है, अगर सेम हम लोग वही चीज़ ऐप में पूरा का पूरा डेवलप कर रहे हैं तो वो कम से कम 500 MB का ऐप होता, लेकिन वो 50 MB, 60 MB, 70 MB में सीमित हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें पहले से ही होती है उसमें, बस नया नया कंटेंट उसमें फेच किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा डिफरेंस वर्ल्ड वाइड वेब में और इंटरनेट में।